अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम अयाज अली मुगल, बायोलॉजी लेक्चरर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्मल क्लेचर। तो ये जो टर्म नॉर्मल क्लेचर है, ये ग्रीक वर्ड नोमोस और क्लेचर में से बनाया गया है। तो नोमोस वर्ड की मीनिंग है नेमिंग, एंड क्लेचर जो है वो एक्चुअली कल्चर या सिस्टम को शो करता है। ये नॉर्मल क्लेचर क्या है? टेक्सोनॉमी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम साइंटिफिक नेम्स असाइन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स की बिना पर, तो अगर मैं आपको कैरेक्टर्स के लिए एक कॉमन एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारे मुआशरे में एक सिस्टम है कि किसी का छोटा कद है तो उसको बंटी कह दिया, किसी का थोड़ा सा हेल्थ ज़्यादा है तो उसको बबलू कह दिया। तो यानी हम कैरेक्टर्स के बिना पर हम भी नेम्स असाइन करते हैं लोगों को। अच्छा भला नेम उसका जो फादर मदर ने उनको उनका रखा है, तब भी हम उनको टोनी बोनी शोनी छोटे से नेम्स देते रहते हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है, हमारा एक सिस्टम है कि हम अभी बच्चे पैदा ही नहीं हुए तो लोग नेम जो है सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये नॉर्मल क्लेचर एक टेक्सोनॉमी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने साइंटिफिक नेम्स देने हैं, साइंटिफिक नेम। अब ये साइंटिफिक नेम क्या चीज़ है? दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में चीज़ों को मुख्तलिफ नेम्स दिए हुए हैं। तो अब अगर हम पोटैटो की ही बात करें तो उर्दू वाले उसको आलू कहते हैं, सिंधी में उसको पटाटा और शिकारपुर वाले उसको बटाला भी बोलते हैं। तो ये ऐसे बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है लैंग्वेजेस की वजह से, एक ही चीज़ के इतने सारे नेम्स। तो साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया जो पूरी दुनिया में अप्लाई किया जाएगा और हर एक चीज़ का सिर्फ एक ही नाम होगा, जिसको साइंटिफिक नेमिंग, साइंटिफिक नेम कहा जाता है, या लैंग्वेज जेलेसी ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में एक ही नेम चलेगा। तो अब तक पूरी दुनिया में दो सिस्टम्स पेश किए गए साइंटिस्ट की तरफ से, जिसमें सबसे पुराना जो नाम था, जो सिस्टम था नेमिंग का, वो पॉलीनोमियल नॉर्मल क्लेचर है। इस नाम से ही पता चल रहा है कि पॉली मीन्स मैनी, नॉर्मल क्लेचर यानी नेमिंग का कल्चर, ऐसा कल्चर जिसमें किसी भी एक चीज़ का दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल नाम हुआ करता था। इस एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, आपकी स्लाइड के सामने मिंट फैमिली लिबिएटी का एक प्लांट है कैटनिप, ये पेरिनियल हर्ब है, एक मिंट फैमिली से बिलोंग करता है। उसका साइंटिफिक नेम ये इतनी बड़ी लाइन जो रेड अंडरलाइन की हुई है ये आपके सामने है, और ब्रैकेट में इसकी मीनिंग भी लिखी हुई है कि नेप्टा विथ फ्लावर्स इन एन इंटरप्टेड पेडंक्यूलेटेड स्पाइक। साइंटिफिक नेम भी इतना बड़ा है। तो ये जो सिस्टम था पॉलीनोमियल नॉर्मल क्लेचर, ये फिर आगे चल के मुश्किलातें पैदा करने लगा, कम्युनिकेशन में मुश्किलात होने लगी, नाम को याद रखने में मुश्किलात होने लगी। तो इस सब मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने दूसरा एक सिस्टम पेश किया जिसको हम बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर कहते हैं। ये बाय वर्ड की माना तो टू है, और नोमोस मीन्स नेमिंग, और नॉर्मल क्लेचर यानी सिस्टम ऑफ नेमिंग। तो अब ये एक मॉडर्न सिस्टम में जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम्स जो हैं सिर्फ दो वर्ड्स के बने हुए होंगे, एक उसका जेनरिक नेम होगा और दूसरा उसकी स्पीशी नेम होगा। अब ये सिस्टम जो है, कैरोलियस लीनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट है जिन्होंने 1753 में ये सिस्टम पेश किया। ये कैरोलियस लीनियस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इनका टाइटल है, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी है। इनके दो बहुत बड़े शाहकार हैं, एक तो इन्होंने
हायरार्किकल क्लासिफिकेशन पेश की है। हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के फिफ्थ चैप्टर में, तो वो क्लासिफिकेशन जो हायरार्किकल थी वो भी कैरोलियस लीनियस ने, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर में देखें आप एनिमल्स के 4,400 तक स्पीशीज़ उन्होंने असाइन किए उसको नेम्स, और प्लांट्स में 7,700 प्लांट्स को उन्होंने नेम्स जो हैं एडाप्ट किए हैं। तो हम अब चलते हैं रूल्स पर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अपने रूल्स हैं कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में से लिया हुआ होगा, और अगर इन केस आप किसी और लैंग्वेज में से नेम लेते हैं तो वो लैटिनाइज्ड स्टाइल में लिखा हुआ होगा, और जो साइंटिफिक नेम है उसका फर्स्ट वर्ड जो जेनरिक नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो सेकंड वर्ड है साइंटिफिक नेम का जो स्पीशी नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। और अगर आप हैंड राइटिंग में साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो वो ज़रूर भी ज़रूर अंडरलाइन किया हुआ हो ताकि वो पता चले कि ये एक साइंटिफिक नेम है। अब ये इन रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम नेम्स देंगे तो किस बिना पर हम नेम दे सकते हैं, तो जो साइंटिफिक नेम है वो हम किसी लोकेलिटी के बिना पर भी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर तो बनियान ट्री का एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर की बुक में अकेशिया अरबिका यानी ये बबुल का दरख्त जो है ये अरब कंट्रीज़ में पाया जाता है ज़्यादातर सहराओं में, इसलिए उसको अकेशिया अरबिका। जैसे रोज़ा इंडिका, रोज़ प्लांट जो है वो इंडिया में डिस्कवर हुआ था या इंडिया की नेटिव स्पीशी है, इसलिए उसको उसकी लोकेलिटी के हिसाब से रोज़ा इंडिका नाम दिया गया है। अब ये जो आपकी स्लाइड पर है फाइकस बेंगालेंसिस, ये बांग्लादेश में ये बनियान ट्री डिस्कवर हुआ था इसलिए वहाँ की लोकेलिटी के लिए इसका नाम दिया गया। करेक्टर ऑफ द प्लांट, अब ये रबड़ इस प्लांट में से हासिल होता है फाइकस इलास्टिका में से, तो इसका नाम भी ऐसे इलास्टिक की वजह से इस दरख्त का नाम फाइकस इलास्टिका रखा गया है। जो हमारे हैदराबाद में गवर्नमेंट की तरफ से ये जो ट्रीज़ लगाए गए हैं जिसका मिसअप्लाइड नेम तो कोनोकार्पस कहलाता है लेकिन उसका असल नेम है एंजुलियोसिस लॉटीफोलिया। लॉटी वर्ड की माना है बहुत ज़्यादा, फोलिया मीन्स पत्ते। आपने देखे होंगे ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये दरख्त लगाए गए हैं रोड स्ट्रीट्स पर रोड्स पर उनमें बहुत पत्ते होते हैं, ये बहुत घने दरख्त होते हैं, तो उनके इस करेक्टर की वजह से इनको लॉटी फोलिया का नाम दिया गया है। जहाँ हम फर्स्ट ईयर के 9th चैप्टर में जेमनोस्पर्म्स में पाइनस लॉन्गी फोलिया की लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, तो लॉन्गी जो है वो लॉन्ग में से है, लॉन्ग मीन्स एलोंगेटेड लंबे पत्ते, लॉन्गी फोलिया, लॉन्ग मीन्स टाल, फोलिया मीन्स लीव्स, यानी ये करेक्टर्स की बिना पर हम बात कर रहे हैं कि प्लांट को कैसे नेम दिया जा सकता है। या रिलीजियस बिलीफ में जो पीपल का दरख्त है हिंदू मज़हब में उसको इबादत उसकी इबादत की जाती है तो उसका नाम फाइकस रिलीजियस रखा हुआ है। या अब डिस्कवरर का नाम, जिसने डिस्कवर किया है वो अपना नाम भी दे सकता है। जैसे हम सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज हम पढ़ते हैं तो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब ये डिस्कवर किया तो उन्होंने अपना नाम दे दिया कि ये कैमिलो गोल्जी, ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये कैमिलो गोल्जी के नाम से हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्लाइड पर फाइकस इरिका वर्ड है ये इरिक पर्सन के नेम से दिया हुआ है ये नेम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नोमेनक्लेचर, पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और उसके रूल्स और उसकी बेसिस अच्छे से मालूम हो गई होंगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई आपको स्पेशल टॉपिक समझना है तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।